हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो इंडक्टर कॉइल होती है वो कॉइल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कॉइल का सिंबल क्या होता है। देखिए, ये है कॉइल का सिंबल। ठीक है, अगर आप किसी स्कैमेटिक डायग्राम में देखते हैं लैपटॉप के, तो जो सिंबॉलिक उसका जो ये होता है डायग्राम होता है, तो ऐसा अगर आपको वो डायग्राम में दिखाई दे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो समझ लेना कि ये आपका इंडक्टर कॉयल है। ठीक है, ये कॉयल जो होता है, देखिए स्कैमेटिक डायग्राम में क्या होता है कि जैसे ठीक है, तो ऐसे दिखाई जाता है, तो यहाँ पे यल अक्षर से वो यल अल्फाबेटिकल अक्षर से वो दिखाई जाता है, जैसे यल 20 हो गया, जैसे ये नंबर होता है और ये इस पार्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है यल करके इस कॉयल का। ठीक है, देखिए कॉयल जो होती है, कॉयल आपके मदरबोर्ड में कॉयल जो काम करती है वो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको फिल्ट्रेशन का काम करती हो, जो सिग्नल्स हम कहते हैं उसे सिग्नल को फिल्टर करने का काम कॉइल्स करती है। ठीक है, तो मतलब करंट को साफ करने का काम करती है, जो करंट होता है वो करंट को साफ साफ माने क्लीन क्लीन करने का। जैसे अब अगर किसी पार्ट को अगर 1.2 होल्ट चाहिए तो एग्जैक्टली 1.2 होल्ट करके ही कॉइल आगे भेजने का काम करती है, और ये काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं मदरबोर्ड में। देखिए कॉइल क्या काम करती है, जैसे समझ लो ये कॉइल है। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे कॉइल एक तांबे के तार से बनी हुई होती है, समझ लो एक तांबे की तार है। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको होल्ड दिया, 3 वोल्ट दिया। ठीक है, यहाँ से करंट होता है 3 वोल्ट और कुछ समझ लो 1 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ से वो जा रहा है, तो होता क्या है, ये जो कॉपर तार जो होती है, कॉपर वायर जो होती है, जब यहाँ से करंट बहता है तो ऐसा एक मैग्नेटिक वेव इसमें तैयार हो जाता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक वेव तैयार हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल तैयार हो जाता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से अगर ये कॉयल ऐसे अगर उसको लपेट दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक वेव बन जाएगा। तो होता क्या है, इसमें ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जो है वो मैग्नेटिक वेव्स का एक ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि आपका करंट को क्लीन करने का काम इस कॉयल से होके आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये कॉयल जो होती है ये एक तो जल्दी ख़राब नहीं होती है, अगर कॉयल ख़राब भी हो जाती है, मतलब 99% तो ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा करंट आ जाए इसमें से उसके जो उसके जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर करंट आ जाए तो ये कॉयल आपका ओपन हो सकता है, मतलब ये बीच में से अगर ब्रेक हो गया तो समझ लो कि ये कॉयल आपका ओपन हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको कॉयल को निकाल के एक ब्लैक प्रोब यहाँ पे रखना है और रेड प्रोब यहाँ पे रखना है कंटिन्यूटी टेस्टर पे। अगर आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो समझ लो ये कॉयल ओके, अगर कंटिन्यूटी दिखाए तो नहीं दिखाए तो ये कॉयल आपका ओपन है, आपको ये समझ लेना है। ठीक है, कॉयल चेक करना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए अभी कॉयल का जो कैपेसिटी होता है वो हम किस चीज़ में चेक करते हैं, तो कॉयल को चेक करने के लिए देखिए एक हेनरी करके इसका मेजरमेंट ऑप्शन है, तो कॉयल का जो इंडक्टेंस होता है वो इंडक्टेंस हेनरी में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ओके ठीक है, चलो समझ लो अभी एक मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में
आपको अभी मैं कॉइल दिखाता हूँ। ये तो अभी बहुत छोटा है कॉइल, इस साइड में तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं दूसरी साइड में, हाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये वाला ये सब कॉइल्स है। और अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, एक मिनट अभी थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए कॉइल के बाजू में यहाँ पे जो होता है देखिए ये PL35 मतलब ये PL35 है, मतलब ये कॉइल है ठीक है। ये पे यहाँ पे देखिए PL एक नंबर है ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए PL20 है ठीक है। तो ये भी एक कॉयल है, ये वाला PL20, ये कॉयल PL20 है, ये कॉयल PL23 है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे PL23 ठीक है। ओके अभी मैं दूसरा एक कॉइल दिखाता हूँ, और देखिए यहाँ पे आपको ये जो दो पार्ट्स दिख रहे हैं ये भी कॉइल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PL15 और 16 है, ये PL15 और 16 नंबर का ये कॉयल है ठीक है। तो इस तरह के भी कॉयल हो सकती है, लेकिन आपको कभी कभी ये कॉयल जो होती है ये रजिस्टर जैसे भी लगती है ठीक है। तो आपको ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर से आपको फाइंड आउट करना है कि ये कॉयल है ठीक है। देखिए रजिस्टर जो होता है रजिस्टर कभी भी बीप नहीं दिखाएगा, लेकिन कॉयल जो होती है वो कॉयल आपको मल्टीमीटर पे आपको बीप ज़रूर दिखाई देगी। तो मैं आपको इसको मैं अभी कंटिन्यूटी मोड पे लेके जाता हूँ, और एक अभी यही जो कॉयल है इसको मैं अभी ठीक है, देखिए ये कॉयल आपका बीप कर रहा है, इट मीन्स ये वर्किंग में है। देखिए ठीक है, तो ये कॉयल आपका वर्किंग में है, वर्क कर रहा है ठीक है। इस तरह से एक भी कॉइल में आपको एक चेक करके दिखा दूंगा, देखिए
ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक कॉइल आपको कंटिन्यूटी दिखाई देती है कॉइल में, तो इट मींस ये कॉइल आपका ओके है। 90% 99% आप समझ लो कि ये कॉइल ओके है। देखिए इस टाइप का भी एक कॉइल हो सकता है, या फिर ये भी एक कॉइल है, ठीक है। ये भी एक कॉइल ही है। कॉइल को दो ही सिरे होते हैं, ये वाला एक और ये वाला एक। हर कॉइल को दो सिरे ही होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके देखिए ये भी एक कॉइल है, ये दो कॉइल है, कॉइल ही है वो भी।